बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने फिजो मानो रखे, अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे। आज ईद का दूसरा दिन है हमारा, आज तीसरा हो गया क्योंकि हमने सऊदी अरब के साथ की थी तो, लेकिन मैंने गोश्त नहीं बनाया था, पहले हमने राइस बनाई वो ही खाए। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि घर वाले को ज़ुकाम लगा हुआ है, चले गोश्त बनाते हैं, तो गोश्त बनाने लगे हैं। मैंने प्याज, सब्ज़ मिर्च और लहसुन, लहसुन को छीन लेते हैं और प्याज ये रख लिए, तो आप लोगों ने साथ रहना। तो यहाँ मैंने रख लिया दीस का, तो गोश्त को धो के इसमें डालते हैं, लहसुन भी छीन लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गोश्त को मैं अच्छी तरह वाश कर लेती हूँ। अलग अलग फरमाइश होती है, बच्चा कहता है कि मैंने कढ़ाई खानी है, चिकन कढ़ाई खानी है, तो अपने लिए हम बना रहे हैं ये शोरे वाला गोश्त। बिस्मिल्लाह, दो हम खाने वाले हैं इसलिए हम डालेंगे आधा किलो गोश्त, उसमें एक प्याज डाल लेंगे काट के छील के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाह, इस तरीके से पकाएंगे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़े का बनता है। मैं इसी तरह बनाती हूँ, सारी चीज़ें इसमें डाल के, मसाले बाद में डालेंगे, पहले हम इसमें नमक और प्याज और लहसुन और टमाटर डाल के रख देंगे गोश्त गलाने के लिए, और ये गोश्त भी गल जाएगा और साथ ही लहसुन अदरक जो डालेंगे वो भी। तो इसको मैं इतनी तरह रखूँ ताकि ऊपर से मैं इसका छिलका उतार सकूं, ऐसे रख देते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैंने लहसुन भी डाल लिया, अब रह गया इसमें मैं दालचीनी और कड़ी पत्ता डालूंगी, एक टुकड़ा दालचीनी का, ये देखें, इससे गोश्त में जो स्मेल स्मेल होती है ना वो नहीं आती। काली इलायची भी डालते हैं लेकिन मेरे पास आज है नहीं, तो इनसे काम चला लेंगे। लहसुन ज़्यादा डालेंगे ताकि पत्ते जो है ना, कड़ी पत्ता डाल देंगे, अगर काली इलायची भी इसमें डालें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है सालन की। अब इसमें पानी शामिल करेंगे और चूल्हे को ऑन कर दो, ढक दिए, अब इसको पकाने के लिए। ये देखें, जब गल जाएगा तो फिर एक चम्मच ये भी डाल देंगे अदरक का, लहसुन पहले वैसे मैंने डाला हुआ है, तो अब इसका छिलका उतार लेते हैं। छिलका जो है ना वो हो गया, मैं चिमटा ले लूं। तो यहाँ देखें उतार दिए छिलका, अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। क्योंकि शोरे वाली चीज़ में जो होता है ना टमाटर, इसका छिलका फिर अच्छा नहीं लगता। बस अब इसको गलाने के लिए रखा हुआ है, जब ये गल जाएगा फिर इसमें शामिल करेंगे मसाले। इधर दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई भी रख ली है, चिकन कढ़ाई बनाने लगी बेटे के लिए। इसमें मैं ना नमक डाल दूंगी, तो इसमें चिकन डालेंगे फिर
ताकि चिकन नीचे ना लग जाए इसके। अब इसको ब्राउन करने के लिए मैं रखूँगी, पहले मैं प्याज लेके, प्याज मैंने पीस कर कर खावा था वो मैंने डाल दिया, अब उसको ब्राउन होने देते हैं। थोड़ा सा मैंने उसको काट लिया, अब शामिल कर दूंगी मैं इसमें चिकन, इसमें इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दूंगी ताकि ये भी इसके साथ भून जाए अच्छी तरह। एक चम्मच डाल है, ये भी तकरीबन आधा किलो गोश्त है, तो इसकी कढ़ाई बना लूंगी। मैंने कढ़ाई बड़ी नहीं निकाली, मैंने देश की ये मेरी भी कढ़ाई की तरह ही है, ये चौड़ी है खुली है, इसमें बना रही हूँ। तो इसमें मैंने अभी मसाले डालने हैं, लेकिन इसमें अभी हल्दी डाल देती हूँ। ईद है ना, कुर्बानी का गोश्त तो हमें मिला नहीं कहीं से, यहाँ जो अगर किसी ने किया भी है तो को कम ही भेजते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो की है आज हमारी हो रही है, आज दूसरा दिन है पाकिस्तान में ईद का, तो आज उन्होंने कुर्बानी की है, तो हमारे नसीब में नहीं है गोश्त खाना। कभी इंशाल्लाह पाकिस्तान जाके बड़ी ईद करेंगे तो फिर गोश्त भी खाएंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो ज़रूर जाएंगे। चलें जी, अब मैं इसमें देखती हूँ और मसाले डालती हूँ। इसमें इसने पानी छोड़ दिया, सूख जाता है, साथ में मसाले भी शामिल करती हूँ, फिर इसको भून लेंगे। तो मसालों में अब डालूँगी गर्म मसाला, हल्दी पहले डालनी है, पाउडर डालूंगी एक चम्मच, धनिया पाउडर, चुटकी भर इसमें लाल मिर्च, और जीरा मसाला डालेंगे आधा चम्मच। अब इनको पकने देते हैं पानी खुशक होने तक। और यहाँ मैं गोश्त भी देखती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी क्या हालत है। हाँ, इसका भी पानी खुशक होने वाला है, तो अब मैं शामिल कर दूँगी ये वाले मसाले, बिस्मिल्लाह। तो मैं भून रही हूँ इसको ना, इसको अच्छी तरह भून लें। वैसे हम कम मसाले खाएं ना तो हमारा मैदा भी ठीक रहता है और हम हर बीमारी से भी बचे रहते हैं। जैसे वो देखे आप सुने कि शान मसाला जो है ना उस पे बैन लगा हुआ है, तो ये डॉक्टर कहते हैं कि इससे कैंसर होता है ना, ये मसाले ना खाया करें, पता नहीं क्या उसमें प्रोडक्ट डाला हुआ है उन्होंने। तो जी वाइट कढ़ाई हमारी तैयार हो गई, शामिल की। अब मैं गोश्त में डालती हूँ तेल,
इसकी ज़रूरत। आधा पापड़ मैंने डाल दिया, अब भूनेंगे इसको। इसको अच्छी तरह भूनेंगे। कढ़ाई तैयार हो गई है, ये देखिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया, थोड़ी देर के लिए ढक दी है और ये मसाला भून रही हूँ इसका अच्छी तरह। इसके गोश्त के साथ में राइस ना हो गया, मैं भून रही हूँ राइस को। तो भून रही हैं गोश्त, भून गया घी छोड़ना शुरू कर दिया, मैं थोड़ा सौदा लूँ ताकि गोश्त अच्छी तरह भून गए, लेकिन थोड़ा सौदा लूँ मैंने शामिल कर दिया थोड़ा सा। मैंने थोड़ा सा प्याज डाल के उसमें ज़ीरा डाला, ज़ीरे वाले राइस बनाए थे साथ। अब इसको ढक देते हैं, अभी नमक डाल लेंगे, एक चम्मच नमक का डालेंगे तो शोरबे वाला इधर सालन जो है ना, ये देखे तैयार हो गया, चूल्हा बंद कर दिया ताकि ये घी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने साथ रहना है। आंडी देखे शोरबा, उसने तेल ऊपर आ गया माशाल्लाह से, ये देखे शोरबा पक गया। और यहाँ मैंने राइस रखे हुए हैं, बन रहे हैं, इंशाल्लाह बन जाते हैं, फिर मिलते हैं। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। राइस को मैं यहाँ डाल कर पक रही हूँ, चूल्हा बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो इसको मैं ढक दूँगी, तो इसी दम से ये राइस मेरे पक जाएंगे।